से हम पुनर्वास 2013 की अगर बात करें तो उसमें सभी को जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको नौकरी देने का प्रावधान रहा है। स्थानीय आदिवासी प्रभावित युवक हैं उनके रोजगार की एक बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन 2006 में खुली लात कोयला खदान SECL के अनुसार अभी तक 10 साल हो गया, 2016 हो गया, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिला। लात गांव में रहते हैं और यहाँ SECL में हमारा ज़मीन गया है। कितना? 80 डिसमिल के लगभग। और SECL वाला अभी तक हमें रोज़गार के लिए बोला था, अभी तक नहीं दिया है। कितने परिवार अभी रह रहे हैं इस हालात से? इस हालात में अभी 40-50 परिवार होंगे शायद। गोल्ड माइंस खुलने से पूर्व हम लोग बहुत सुखी थे क्योंकि हमारा परिवार एक साथ रहता था और खेती किसानी होती थी, पापा सर्विस में थे। और जब से गोल्ड माइंस खुला है, ज़मीन SECL में गई है 2006 से, तब से पूरा परिवार बिखर गया है। और मेरे को अभी तक कहा जा रहा है कि आपकी लीगल तौर पे कोई ओ नहीं बनता है क्योंकि आप पुत्री हैं, आपको पुत्रियों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं। पुत्र और पुत्रियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो हमारे संविधान ने नहीं किया, फिर इन कंपनियों को किसने अधिकार दिया? और अभी मैं अपने परिवार के साथ जिस हालात से गुजर रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए। SECL बोले कि 2 एकड़ ज़मीन लाओ फिर आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा। अभी मैंने फाइल जमा कर दिया हूँ करने से, अभी 2 एकड़ भी करा दूसरे से लेकर किया हूँ। तो अभी बोल रहे हैं कि उसको नील कराओ, जो दूसरे की ज़मीन बचा है उसमें क्या, तब आपको नौकरी होगा। इस तरह से SECL हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। मुझे न्याय मिले और मेरे माँ बाप के ज़मीन पे मुझे जॉब मिले। कई संख्या में जो युवाएं हैं और वो अपनी फाइल बनाने के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनके पास ना तो उनके रोजगार की कोई व्यवस्था SECL के द्वारा कराया गया, न ही सरकार के द्वारा कोई पहल की गई है, जिससे युवाओं में कई ऐसी स्थिति हुई है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि SECL में गए जितने भी ज़मीन के फाइलों को धर्मजागढ़ SDM के माध्यम से जिला कलेक्टर के द्वारा तत्काल उसको ठीक ठाक करके उनका फाइल करके उनको नौकरी नियुक्ति दिला दिया जाए। हमारे जिला कलेक्टर मैडम का नंबर है 94255-32380। आप इस नंबर पर फ़ोन करें और उन्हें कॉल करके दबाव बनाएं। मैं सविता, रायगढ़, छत्तीसगढ़, IndiaUnheard के लिए।